गुड मॉर्निंग गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं अभी उठी हूँ। मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी आँखें इतनी सूज सी रही हैं और मेरा अभी भी उठने का जी नहीं कर रहा। अभी सो जाऊँगी मैं, ऐसा हो रही हूँ। अभी मैं थोड़ी देर घूमती फिरती हूँ और उसके बाद बताती हूँ क्या रहेगा, क्या पढ़ूंगी मैं। बट अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं फिर से सो जाऊँगी। तो आज एक गाय स्कूल की तरफ आई है और ये वाला जो नाश्ता है ये उधर वाली गाय का है और मैं उसमें से ले आई इस वाली गाय के लिए, और शायद वो जा चुकी है, देखते हैं। गाइस वो रही गाय हमारी, ले 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 ले, सुबह सुबह मैं कर रही हूँ क्लोज प्रैक्टिस और जिसके अंदर मुझे आ रही है भयंकर उबासियां। तो सुबह 9 बजे मैंने किया नाश्ता जिसमें मैंने पी कॉफी। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 9:30। मैं आ चुकी हूँ अपने स्टडी रूम में और आज मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। आप लोग पूछते हो ना कि आप अपने डेली टास्क कैसे कंप्लीट कर लेते हो, आपका पढ़ने का मन नहीं करता क्या, आप फोन नहीं चलाते क्या? तो आज मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं है। तो टेबल पर बैठते ही मैंने सबसे पहले टेबल जचाई, क्योंकि एक तो वैसे ही पढ़ने का मन नहीं है और ऊपर से ये अस्त व्यस्त टेबल देखूंगी तो वैसे ही पढ़ने का मन नहीं करेगा। अभी मैं कर रही हूँ जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स। तो गाइस अभी बच रहे हैं दोपहर के 11:30 और यहाँ लाइट नहीं आ रही है तो नीचे चल के मोक देंगे। और अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं ब्रेक ले रही थी छोटा सा और जैसे नीचे गई और खूब लंबा ब्रेक हो गया और मैं मामी के पास स्कूल में बैठ गई थी तो वहां बच्चों की हरकतें देख रही थी। तो मैडम ने पूछा नेशनल फ्लावर क्या है अपना, एक बच्चा कहता वंदे मातरम। अरे छोटे छोटे बच्चों को कोई मतलब नहीं होता कि आप पूछ रहे हैं, उन्हें रटा रटाया बताना है अपना। तो मैंने कहा था ना मेरा आज पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं पढ़ रही थी लेकिन मैं नीचे चली गई और मैंने लंबा ब्रेक ले लिया। तो इस लाइट ने भी अच्छा नाटक लगा रखा है, मैं जैसे ही नीचे गई मुझे फ्रिज की आवाज सुनी कि फ्रिज चालू है, इसका मतलब लाइट आ गया है। फिर मैं वापस ऊपर आ गई। मॉक देने से पहले मुझे मॉक नोटबुक जो है उसका रिवीजन करना था 5-6 पेजेस, लेकिन मैंने सारा टाइम इधर उधर वेस्ट कर दिया तो अभी सीधा मॉक देंगे क्योंकि अभी मॉक देने का टाइम है। मैं मॉक दे ही रही थी, 5 मिनट ही हुई थी मुझे मॉक देते और मेरी आंख में इतना दर्द शुरू हो गया है। जब भी मेरी आंख में दर्द शुरू होता है तो मैं एक उपाय करती हूँ, बर्फ के पानी की मस्त ठंडे ठंडे छपके मारती हूँ, अंदर आत्मा आंख सब खुल जाती है मेरी। तो गाइस अभी मैंने मॉक दे लिया है और मेरे मॉक में सही नंबर आए हैं, ठीक ठीक। इंग्लिश में डूब गई मैं आज, और जो भी मेरा मॉक है कितने नंबर आए हैं क्या है और कौन से दिन का दिया था वो सब मैं आपको जब दिखाऊंगी जब वाईफाई चलेगा लैपटॉप से। और मैंने मॉक फोन से दिया है क्योंकि वाईफाई नहीं चल रहा तो लैपटॉप में ज्यादा नेट टूट जाता है। तो मॉक दे लिया और अब पेट पूजा करते हैं। और आज खाने में क्या है? ओ गुलाब जामुन। तो आज का मैंने मॉक दे लिया है और उसमें मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आया, मैं दिखाती हूँ आपको। इंग्लिश ने कर दिया मेरा तो काम खराब और जीके ने भी किया है, सिर्फ इंग्लिश ही जिम्मेदार नहीं है। ये पेपर है 7 दिसंबर 2022 शिफ्ट 3, उसमें मेरे आए 127 नंबर जिनसे मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि आज मेरे को इंग्लिश ले डूबी। इंग्लिश में मैथ्स से भी कम नंबर आए और आज मैथ्स में फिर भी सही आ गए। तो जब मैं नीचे पानी पीने आई तो मैंने देखा नानी अपने आप तेल लगा रही है। नानी अब किसी को कहती नहीं है तेल लगाने को, लेकिन नानी से लगता भी नहीं है तेल, तो जो भी कोई नानी को तेल लगाते देखता है तो वही तेल लगा देता है। तो नानी अपने आप लग रही थी, फिर मैंने कहा चल नानी मैं मालिश कर देती हूँ आपके। फिर नानी ने, नाना जी ने और मैंने मस्त मस्त बातें की। गाइस मैं उठ चुकी हूँ और वाईफाई नहीं चल रहा है तो मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगी, ये भी इन्फॉर्म करना है मुझे यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में। और अभी मैं बना रही हूँ मामी के लिए चाय। तो चाय बनाने में मेरे को और मेरी बहन को आता है सबसे ज्यादा जोर, क्योंकि जो चाय पीता नहीं है उसे चाय बनाने को कहोगे तो कैसे ही बनाएंगे हम। फिर मैंने ये चाय कैसे जैसे बनाई और जब मैं मामी के सामने लेके गई तो मामी को तो चाय का रंग ही नहीं पसंद आया। फिर ये लोग खेल रहे थे लूडो और मैं इनको चुपचाप देख रही थी, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला मैं कब इनके साथ डम्स लार्ट्स खेलने लग गई। फिर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इनको नाम समझाने की और मूवी का नाम है नदिया के पार, और फाइनली इन्होंने बता ही दिया। और मेरी बहन ने जब मूवी समझाई 2 मिनट नहीं लगे इसे समझाने में। तो गाइस मैं नहा के तैयार हूँ और अभी पढ़ाई करेंगे, थोड़ा टाइम लग गया खेलने में, फिर खेले फिर नहाई। तो अभी बज रहे हैं 6:15 और अब 12:30 तक मस्त पढ़ाई करेंगे। देख रहे हो मुझे आज सारे दिन के टारगेट में अब लिख रही हूँ, पर चलो कोई नहीं क्योंकि अब सीरियसली पढ़ाई तो अब स्टार्ट करूंगी ना मैं सारे दिन की, तो इसलिए अभी मैं टारगेट लिख रही हूँ और जो कम्प्लीट हो गए हैं उनको भी टिक करेंगे। तो मैंने करंट अफेयर्स कर लिए एंड मॉक टेस्ट दे लिया, क्लोज टेस्ट का पढ़ लिया और अभी ये सब बच रहा है। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ एंशियंट हिस्ट्री, और एंशियंट हिस्ट्री मुझे यहाँ से पढ़नी है कानवा डायनेस्टी से, मैंने इस पे बुकमार्क लगा रखा है और पहले वाली थोड़ी सी रिवाइज करके और फिर अब वाली मैंने पढ़ना स्टार्ट किया एंड इसे आज मैंने कंप्लीट कर दिया और अब कल मैं इसके करूंगी क्वेश्चंस। तो अभी बज गए 8, लेते हैं खाने का ब्रेक और आज मैं 8:30 वापस आ जाऊंगी क्योंकि मैंने 5 से 6 बजे का जो टाइम था वो वेस्ट किया था। मेरी बहन और मामी बाजार गए थे शॉपिंग करके लाए तो वो सब सामान मुझे दिखाया और आज है खाने में नमकीन चावल।
तो गाइस जो हमने दोपहर में गुलाब जामुन खाए थे फिर से खाएंगे, लेकिन गुलाब जामुन बिना गर्म किए तो क्या मजे। मारते डाला मेरे फोन पे, है तो ना माइक्रोवेव से बिल्कुल। गाइस ये मेरे साथ क्या कर रही है, जितने गुलाब जामुन गर्म हो रहे हैं। अरे मत कर यार, वो पीपड़ी बच गई। और ये इतने अच्छे से गर्म नहीं हुए थे, इनको फिर से गर्म किया। इसका दिमाग तो मेरे गाल खींचने में था, कहां से सही से गर्म करती। अभी इसे खाते हैं। और ऐसे पूरा मुंह में कौन खिलाता है भाई। तो आफ्टर डिनर ब्रेक आई एम बैक ऑन माई स्टडी टेबल, और अभी मैं कर रही हूँ वो कैब। एंड वो कैब करते करते मेरे दिमाग में खुरापात आई और मैं अपनी चोटियां बनाने लग गई। और आपको पता है जब मैं चोटियां बना रही थी तो मैंने ये महसूस किया कि आज मैंने और दिनों से ज्यादा वो कैब पड़ी है। तो अभी पानी खत्म हो गया है, वो लेके आते हैं। तो गाइस पानी ले आई हूँ मैं, एंड मैं मेरी चोटी भी देख के आई हूँ, मस्त लग रही है। मैं क्या सोच रही हूँ, अगर मैं अपनी सारी सारे बाल ऐसे छोटी 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 चोटी करके गूंथ लूँ और फिर पीछे एक चोटी में रबड़ डालूँ, शायद अच्छी लगूँ। पर उसमें मेहनत कितनी लगे वो तो क्या ही कहने। तो आज की जो टाइपिंग स्पीड है वो आई है 33 वर्ड पर मिनट। तो अभी मैं कर रही हूँ बिंदु त्राटक। तो बैठे बैठे मेरे हो गया था कमर में दर्द, फिर मैंने सोचा थोड़ी देर लेट के पढ़ा जाए। अब जब पलंग सामने डला हुआ ही है टेबल के, तो फिर क्यों ना आनंद लिया जाए। तो अभी मैं लेट के पढ़ रही हूँ, और मैं अभी पढ़ रही हूँ प्रोनाउन चैप्टर बुक से। अभी बज रहे हैं रात के 11:15, और मैं कर रही हूँ मॉक एनालिसिस जो आज मैंने मॉक दिया था उसका। तो गाइज अभी मैं कर रही हूँ मॉक एनालिसिस, और रीजनिंग में मैंने 2 सवाल नहीं किए, और इन सवालों को ना करने का दुख नहीं है। ये सवाल मुझे आते थे, और इस पेपर में ना मेरे से टाइम जो है थोड़ा मिसमैनेज हो गया, क्योंकि इंग्लिश और जीके में मुझे ज्यादा टाइम लग गया समझने में। वैसे इंग्लिश में ना देखो मुझे 6.5 मिनट लगते हैं करने में, 6 से 7 मिनट, और इस इंग्लिश के पेपर में मुझे 11 मिनट लगे, और उसमें भी मैंने इस पेपर में सबसे ज्यादा सवाल गलत किए, 7 सवाल गलत कर दिए मैंने इंग्लिश के। तो दुख इस बात का नहीं है कि मैंने ये सवाल नहीं किया, दुख इस बात का है कि ये सवाल देखो आप आते हुए भी मैं नहीं कर पाई, क्योंकि टाइम की कमी थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि रीजनिंग का कोई सवाल मेरा छूट गया, और जो मुझे आता था, और क्यों छूट गया, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। पर ये जो गलतियां यही तो सिखाती हैं, मैं हर दिन अपने मौक से कुछ ना कुछ जरूर सीखती हूँ। तो आज के मेरे सारे टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। एक तो ये नहीं हुआ, मतलब मॉक नोटबुक जो है मेरी वो मैंने पढ़ी नहीं। मॉक एनालिसिस कर लिया, एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ ली, प्रोनाउन भी कंप्लीट नहीं हुआ, हाफ हुआ है, तो मैं इसके आगे हाफ लिख देती हूँ। एंड उसके बाद में ये मैंने कर लिया, कैलकुलेशंस कर ली, टाइपिंग कर ली, मेडिटेशन कर लिया, सब हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। अभी बज चुके हैं 12:15, तो अभी सोने चलते हैं। ओके टाटा बाय।